एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं लेकर आई हूँ उल्टा वड़ा पाव, यानी वड़ा पाव की रेसिपी मेरी डली हुई है, बट ये उल्टा वड़ा पाव है तो कुछ इंटरेस्टिंग है। तो आइए देखते हैं। ये मैंने लिया है 1.5 कप बेसन, जिसको अच्छे से छान लिया है। ये हरी चटनी ली है हमने, जो मैं हमेशा बनाती हूँ धनिया पुदीने की। एक हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। 1/4 टीस्पून हमने सोडा लिया है, नमक है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 4 से 5 ये लाल सूखी हुई मिर्च हैं, 1/4 कप मूंगफली दाने हैं, 7 से 8 लहसुन क्लव्स हैं, और ये सूखा हुआ नारियल है जिसको ग्रेट कर लिया है, 1/4 कप है। ये 4 से 5 आलू को हमने उबाल लिया है, पानी है, ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। हींग लिया है, रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, और ये जो आपकी टेस्टी मूंगफली आती है ना, जो बेसन में डीप फ्राई होती है, उसका थोड़ा सा चूरा बच गया था जिसको मैं यूज करने वाली हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसन में हम सबसे पहले डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक, और ये सोडा, मीठा सोडा, कुकिंग सोडा, इसको ऐसे मिक्स करेंगे। मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर वगैरह नहीं डाल रही हूँ, और इसमें हम पानी डालेंगे और इसको ऐसे इसका एक घोल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे उठा के। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल लेंगे, 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। अब हम डालेंगे इसमें लहसुन, और गैस को हमें बिल्कुल धीमा रखना है, बिल्कुल धीमी गैस पर ही हमें इसको भूनना है। बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें ये मूंगफली, और इनको भी हमें रोस्ट करना है। इनकी पहचान है कि ये थोड़ा थोड़ा ना फटने लग जाती हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे, कच्ची ना रहे ताकि। और ये देखिए 1 से 2 मिनट में ही ये मूंगफली जो है ये ऐसे फटने लग गई हैं। आप देखिए अच्छे से भुनने लग गई हैं। साथ में हम इसके ये मिर्च डाल देंगे, इन्हीं का कलर बहुत अच्छा आता है, ये सूखी चटनी बनती है। अब हम डालेंगे इसमें ये सूखा नारियल जो ग्रेट किया हुआ है हमने, इसको भी ऐसे हम रोस्ट करेंगे, और गैस को बिल्कुल आपको धीमा रखना है। गैस बल्कि आप बंद ही कर देंगे इस समय, बहुत हल्का सा हमें इसकी खुशबू, मतलब कच्चापन दूर हो जाए। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है, और 1 चम्मच मैं इसमें ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ जो थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है। गैस बंद है, आप ये जरूर ध्यान रखें ताकि ये जो चीजें हैं ये जले नहीं। और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालकर इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन पहले ठंडा होने का इंतजार करेंगे। ये आलू का मसाला हम बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया है, इसमें डाल रही हूं मैं ये हरी मिर्च, 2 पिंच हम डालेंगे इसमें हींग, और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी। इसके साथ ही साथ, हल्दी जो है बहुत जल्दी पक जाती है, इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें ये आलू का मसाला, और स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक। नमक का भी हमें ये ध्यान रखना है कि नमक जो है वो बेसन में भी है, तो आप देखकर ही डालें, और इसको अच्छे से हमें भूनना है, इसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए आलू का। ऐसे हमें भूनना है, हल्का पीला कलर इसका बहुत सुंदर लगेगा, तो चारों तरफ से इसको हमें अच्छे से भूनना है। थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, और ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भुन गया है, तैयार हो गया है, तो इसको निकालते हैं अलग से। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली की वो चूरी जो बचती है बेसन की वो डाल दी है, और उसके बाद डालेंगे हम ये सारा, देखिए ठंडा हो गया है, और ये देखिए हमारी जो यमी सी ये चटनी बनकर तैयार है।
और ये मूंगफली का बेसन डालने से ना इतना टेस्टी बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जरूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, कभी कभी पाव जो है थोड़े बड़े आते हैं, तो अगर आप उसमें स्टफिंग करेंगे तो वो बहुत ऊंचा हो जाएगा, उसके लिए उतना टेस्ट नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बीच में से कट कर लेंगे। जैसे ये वाला जो स्लाइस है ना, सेंटर वाला, इसको हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये स्लाइस हम निकाल लेंगे अलग से। इसको सेक के आप ब्रेड की तरह खा सकते हैं, और इसको हम फिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये फिल होके बहुत ऊंचा नहीं होगा और कच्चा कच्चा अंदर से नहीं लगेगा। ये दो लिए हैं हमने पाव, अब हम इनको असेंबल करते हैं। बीच में से कट कर लिया है। एक तरफ लगाते हैं हम ये लहसुन की चटनी, लहसुन और लाल मिर्च की जो चटनी हमने बनाई है उसको लगाते हैं एक तरफ, ऐसे दबा देंगे बीच में से। और इसी के ऊपर हम लगाएंगे ये आलू का मसाला। उल्टा वड़ा पाव क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जब हम वैसे वड़ा पाव बनाते हैं तो आलू के ऊपर बेसन की कोट करते हैं, और अब हम करने वाले हैं पाव के ऊपर, तो ये उल्टा वड़ा पाव हो गया। खाने के तरीके हैं भाई, नए नए निकाल दीजिए। ये देखिए, हरी चटनी लगाएंगे इधर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए। ये देखिए, ऐसे हम इसको दबाएंगे थोड़ा सा, ये देखिए, और इसको बेसन के घोल में हम डिप करेंगे। तो ये देखिए, डिप करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। ये हाथ से फेंटा हुआ बेसन है, देखिए आप, कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये रखने के बाद देखिए कुछ इस तरह का हो गया है। तो आपको ऐसी कंसिस्टेंसी लेनी है। और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाव को दोनों चारों तरफ से मतलब सील कर लेंगे पहले, ये देखिए इस तरह से, ताकि जो मटेरियल है ना वो निकले ना, तो ये अच्छे से कोट हो जाए, देख रहे हैं ना आप। ये देखिए ऐसे सील करना है हमको चारों तरफ से। फिर एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से इसको डिप करेंगे हम बेसन के घोल में। अच्छे से हम इसको डिप करेंगे और अब हम इसको कढ़ाई में छोड़ देंगे। इस तरह से हम इसको, मैंने लोहे की कढ़ाई ली है ये, इस तरह से हम इसको बेसन की कढ़ाई में बेसन को बेसन के साथ लपेट के इसको छोड़ देंगे। आप देखिए, और ये बहुत अच्छा बनेगा। इसको अब हम पलट लेंगे। और ये देखिए, बहुत अच्छे से ये हमारा सिक गया है, कितना बढ़िया ये लग रहा है देखिए। तो इसको निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हमें क्या करना है, दोनों बनाने हैं। और इसी तरह से हमने ये दूसरा भी बना लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये ना आधी कढ़ाई तेल है, तो आप चाहें तो फुल भर दें। मुझे कम यूज करना था और ध्यान से ये बनाना था, तो आप पूरा डीप फ्राई करना है तो ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये हमारी यमी से मैंने दिखाने के लिए आपको दो बनाए हैं, बनकर तैयार हैं। और मैं आपको जो बीच के ब्रेड स्लाइस रखे हैं उसमें भी आप अपने आप इसी तरह से बना सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होगा। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इनको स्लैब को कर लिया है हमने साफ, और अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही यमी ये बनकर तैयार है, ये देखिए कितना सुंदर बना है। तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, ये गरम गरम वड़ा पाव। ये देखिए, ये चटनी है साथ में, इसके हरी चटनी है, तो ये बहुत स्वाद लगने वाला है। तो लग रहे हैं ना यमी, देखिए कितने बढ़िया ये बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।